इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा आज, काशी तमिल संगम का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का करेंगे सम्मान। तमिलनाडु के छात्रों से पीएम मोदी करेंगे संवाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में रहेगी मौजूद। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे मौजूद। आज 11:25 पर सीएम योगी वाराणसी रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि 12:35 पर बीएचयू हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी। 12:35 से 1:50 तक बीएचयू में रहेंगे सीएम योगी। 2 बजे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 3:50 पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रधान करेंगे। तो आपको हम बता रहे हैं कि आज जो है प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा है, काशी तमिल संगम का पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान करेंगे। चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है और काशी तमिल संगम का उद्घाटन प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से हमारा कॉन्टैक्ट उनसे नहीं हो पाया है, पर आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी का जो कि देश के प्रधानमंत्री है उनका वाराणसी दौरा है। बता दें कि तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान किया जाएगा और संवाद भी उनसे करेंगे पीएम मोदी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में रहेंगी मौजूद और सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। आज 11:25 पर सीएम योगी वाराणसी के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वाराणसी दौरा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है, काशी तमिल संगम का पीएम शुभारंभ करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, साफ तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है जिसको लेके अस्मिता काफी ज्यादा स्तर पर तैयारियां चल रही है। जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने वहां पे डेरा डाल दिया है। प्रमुख रूप से धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद होने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खासतौर से मैं बता दूं जिस जो कार्यक्रम की रूपरेखा है जिसमें जो इम्पोर्टेंट वो होने हैं इवेंट्स होने वो काशी तमिल संगम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना है। इसमें तमिलनाडु 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान भी होना प्रस्तावित है। तमिलनाडु के छात्रों से पीएम सीधे संवाद करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और जो 9 प्रमुख लोग हैं वहां पर शामिल होने वाले उनकी अगर बात करें तो उन धर्माचार्यों के नाम भी दे दिए गए हैं। मणिका वाचक संविधान धर्मगुरु आदिनम स्वामी दिवकर देशिकर, सी एल सत्य ज्ञान महादेव, शिव प्रकाश देशिक, शिव ज्ञान बालाय स्वामीलिंगम, ज्ञान प्रकाश देशकर सहित 9 लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे के करीब वहां पे पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। जी बिल्कुल शशांक, आपने जैसा बोला बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और कई बड़े दिग्गज नेता, कई पार्टी के बड़े नामी नेता भी इस में मौजूद होंगे। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के मायनों की अगर बात करें तो जो वहां पे कमिश्नर है उन्होंने सतीश गणेश उन्होंने पूरी तरीके से तैयारियां चाक चौबंद कर दी है और कल ही इसका एक मॉडल कर दिया गया था जिसमें ये था कि जो वीआईपी सुरक्षा गेट है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल के लिए एक मुख्य मार्ग बनाया गया है जहाँ से उनकी एंट्री होगी। बाकी सबके लिए टोटल 4 से 5 गेट बनाए गए हैं। अलग अलग लोग हुए हैं वो अलग अलग तरीके से आएंगे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर के उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी वाराणसी को एयरपोर्ट बाबतपुर से लेकर के और कार्यक्रम स्थल तक पूरे जो पूरा कार्यक्रम स्थल है उसको शामिल में तब्दील कर दिया गया है।
शशांक, बीएचयू में भी जो है योगी, सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। बीएचयू जो है प्रख्यात यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है, तो उसके बारे में भी आप बताइए, जब वो वहाँ जाएंगे तो क्या कुछ बातें हो सकती है, क्या कुछ सौगात अगर मिल सकती है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा अश्विता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। बीएचयू की अगर बात कर ले, उसका अपना महत्व है, और यानी जिस तरह से अगर देखा जाए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर के लगातार सवालों का पिटारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के लिए खोलते आ रहे हैं। जो जो इससे पहले लोकसभा में जब प्रधानमंत्री जी वहां से सांसद नहीं थे, तब से और आज भी जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। सीधे संवाद करना और उसके बाद में सौगातों का पिटारा खोलना, ये प्रस्तावित है कि क्या प्रधानमंत्री जी क्या वाराणसी को सौगात देंगे, उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे। चुनाव से ठीक पहले इस कार्यक्रम को करना ऐतिहासिक विरासत को जिंदा रखने वाली बात है। और ये जो कार्यक्रम है, जो तमिल और ये तमिल का समागम है, तो कहीं ना कहीं बड़ा इवेंट है। इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने आज तक ये कार्यक्रम नहीं किया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री काफी तमिल संगम के उद्घाटन समारोह में जिस तरह से सहभागिता कर रहे, जिस तरह से कार्यक्रम को इम्पोर्टेंस दे रहे, कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही ज्यादा पौराणिक और यानी पुराने चीजों को जिंदा रखने के लिए ये काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। चलिए शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है, आज काशी तमिल संगम का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ, तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का भी करेंगे सम्मान।